वेलकम टू SBS स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ जो कि JEE मेन में आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि यूनिफॉर्म थीन मेटल स्फीयर मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg विद डायमेंशन एज सोन इज सोन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट इन इज ny9। जो रेशियो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का, उसका रेशियो ny9 है, तो n की वैल्यू आपसे पूछा है। सो कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट सारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। सो व्हाट इज x सेंटर ऑफ मास, तो वी नो दैट कि x सेंटर ऑफ मास जो होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड प्लस सो ऑन। जितने भी मास होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेट होता है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड प्लस .. जितने भी मास होते हैं सबको ऐड कर देते हैं। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है, दिस इज m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 एंड प्लस .. एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस दिस इज m3 प्लस .. सो अगर हम x सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकालें तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आपका हो जाएगा जो कह रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म थीन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg। मास कितना है 10 kg, तो अगर मास 10 kg है तो इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा। इस पार्ट का अगर हम मास देखें तो ये पार्ट ये 4 kg हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सिमिलर है 4 और ये इसका हाफ है इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा 2 kg। सो दिस इज इक्वल टू 4 kg और कितना हो जाएगा 2 kg। इसका अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो बीच में हो जाएगा, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास देखें तो यहाँ पे बीच में हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करें तो अगर इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास हम देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 पे होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितने पे होगा 1 पे होगा, ठीक है। सो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 4 × 0.5 एंड प्लस दिस इज 2 × 1.5। क्यों? क्योंकि जो 2 kg का मास है इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0.5। सो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 पे हो जाएगा एंड प्लस दिस इज इक्वल टू 4 × इसका सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें हम तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1.2 एंड दिस इज 0.5, सो दिस इज इक्वल टू 2.5 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास इज इक्वल टू 10। सो एक्स सेंटर ऑफ मास अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 1.5 आएगा। इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकालें तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4 × 1 एंड प्लस 2 × दिस इज इक्वल टू 0.5 एंड प्लस 4 × कितना हो जाएगा 1। देख लो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टोटल कितना है 2 है, तो बीच में आ जाएगा, तो यहाँ नीचे से कितना आ जाएगा 1 पे। इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 0.5 पे, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 पे एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 10। सो कैलकुलेट करोगे तो वाई दिस इज इक्वल टू वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस 0.9। सो सेंटर ऑफ मास एक्स सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई वाई सेंटर ऑफ मास, सो एंड दिस इज इक्वल टू आपको गिवन है, तो कितना आ जाएगा ये, सो दिस इज इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1.5, सो दिस इज 1.5 अपॉन 0.9, सो दिस इज 15 अपॉन कितना हो गया 9, सो दिस इज इक्वल टू आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू n अपॉन 9, सो दिस इज इक्वल टू n अपॉन कितना हो जाएगा 9, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कहा है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r placed in xy plane with its center at the origin and the line joining its end as x axis is given by 0 x r upon pi then the value of x is। बच्चों ये तो हमने सेंटर ऑफ मास में सेमी सर्कल का वन क्वार्टर का सबका हमने आपको बता रखा है, डेराइव करा रखा है हमने सेमी सर्कल का क्वार्टर सर्कल का, हमने डेरिवेशन करा रखा है आपको नोट्स पे अगर आप देखोगे तो हमने डेरिवेशन करा रखे हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इसका रिजल्ट मैंने कहा था आपसे कि इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अगर ये सेमी सर्कल होता है तो इसका सेंटर ये हो गया सेंटर, और सेंटर ऑफ मास जो उसका होता है बेटा इसका यहाँ पे होता है, और जो वाई का एक्स सेंटर ऑफ मास इसका 0 होता है बेटा, और वाई सेंटर ऑफ मास जो होता है दिस इज इक्वल टू 2r अपॉन कितना होता है 2r अपॉन पाई होता है वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक्स 0 होता है, वाई इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई होता है।
सो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको दिया हुआ गिवन है कि एक्स आर अपॉन पाई, सो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये टू आर अपॉन पाई होता है बेटा. सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू हो जाएगा. तो ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट हमने पढ़ा रखे हैं आपको इसके, क्वार्टर सर्कल का, सेमी सर्कल का, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, क्वार्टर सर्कल का कितना होता है सेंटर ऑफ मास, सबका सेंटर ऑफ मास हमने नोट्स पे बता रखे हैं. और जो हमने फार्मूला का सीट भेजा है उस फार्मूले के सीट में सारा ये लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है कि सर्कुलर होल ऑफ रेडियस ए बाई टू इज कट आउट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए एज शोन इन द फिगर. द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ विल बी. एक यहाँ पे सर्कुलर होल ऑफ रेडियस ए बाई टू जो है कट आउट सर्कुलर डिस्क है, ये एक डिस्क है यहाँ पे, ये आपका क्या है डिस्क है जो रेड कलर से मार्क किया, और इस डिस्क से एक सर्कुलर होल यहाँ पे कट कर लिया गया है, रेडियस जिसका है ए बाई टू, ठीक है, ये का सर्कुलर होल कट कर लिया गया है, ठीक है. तो पूछ रहा है कि बताइए रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा. तो इसको, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. हम मानेंगे कि m इज़ द मास ऑफ द डिस्क, मास मास ऑफ द डिस्क, एंड दिस इज इक्वल टू, जो मास ऑफ द डिस्क होगा, ठीक है, डिस्क जो होगा दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द डिस्क जो होगा बेटा, उसको हम कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है. एंड डेंसिटी ऑफ द डिस्क, डेंसिटी ऑफ द डिस्क जो है बेटा हम उसको सिग्मा ले लेते हैं. सो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, तो ये डेंसिटी जो है ना मास पर यूनिट एरिया हमने लिया है, ये जो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द डिस्क है ये मास पर यूनिट एरिया वाला है. तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई, एंड दिस इज ए स्क्वायर, क्योंकि ए इज द रेडियस, सो दिस इज इक्वल टू, ये डेंसिटी कैसा है, मास एरिया डेंसिटी हम ले रहे हैं, मास अपॉन एरिया. सो जो मास पार्ट निकाला गया यहाँ से, ये जो पार्ट निकाला गया है, तो कितना पार्ट निकल गया होगा, तो रिमेनिंग मास जो पार्ट निकाला गया हो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू उसका एरिया कितना है, पाई इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू मास जो निकाला गया बेटा, सो दिस इज इक्वल टू एम बाई कितना आ जाएगा, फोर. सो एम बाई फोर मास को यहाँ से कट कर लिया गया. तो अब जो सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास जो होगा, सो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, सो मास पहले कितना था, टोटल मास कितना था एम, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, ए पे, और दिस इज इक्वल टू माइनस एम बाई फोर, माइनस एम बाई फोर इंटू उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू ए पे, एंड डिवाइडेड बाई एम माइनस एम बाई कितना होगा, फोर. माइनस क्यों किया, कि पार्ट ऐड नहीं हुआ है, पार्ट को हटाया गया है यहाँ से, पार्ट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, पार्ट को हटाया गया है. और जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स ए आपका आंसर आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. अगर यहाँ पे यही ऐड किया जा गया होता तो यहाँ पे हम प्लस करते, लेकिन ये माइनस इसलिए किया है कि यहाँ से इसको पार्ट को हटाया गया है, कट किया गया है इस पोर्शन को, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सर्फेस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है. तो सेंटर ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर है, लाइज एट ए डिस्टेंस 3r/8, जो सेमीस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर जो होता है, जो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 3r/8 होता है. तो क्वेश्चन नंबर अगर 11 को हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, वो 3r/8 कितना होता है, 8 होता है हेमिस्फीयर में, ठीक है. सो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये पूछा 8 सेंटीमीटर बोला है ना, 8 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू पूछा है, ठीक है. तो इसका मतलब कि नहीं, क्या गिवन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x. अच्छा, ये x की वैल्यू गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू, ये क्या गिवन है आपको, ये सेंटर ऑफ मास होता है h, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 8, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3 सेंटीमीटर. अगर उसका रेडियस गिवन है, तो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 3r/8 पे होता है, तो r की वैल्यू पुट कर लो, तो सेंटर ऑफ मास आपका निकल जाएगा, जिसको x बोल रहा है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3 सेंटीमीटर.
इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से बेटा सेंटर ऑफ मास में मेन वही फार्मूला है, बस एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, एंड वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री सॉरी एम वन बाई वन प्लस एम टू बाई थ्री एम टू बाई टू प्लस एम थ्री बाई थ्री एंड डिवाइडेड बाई एम वन एम टू एम थ्री। यही फार्मूला हमेशा लगना है बेटा। और आपका जितने भी आपका सेमी सर्कल है या क्वार्टर सर्कल है सबका हमने फार्मूला लिख रखा है फार्मूला वाले नोटबुक पे, वहाँ से आप देखेंगे।